नमस्कार, मैं हूँ शिवम अंकित। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी सर्कल ऑफ इंडिया। मैं आज उपस्थित हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रांगण में, जहाँ पर साधु फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है। स्क्रीनिंग के पश्चात हम बात करेंगे डायरेक्टर, एक्टर और जानेंगे दर्शकों की राय। मैं हूँ इस साधु फिल्म के डायरेक्टर और रंग निर्देशक इकबाल सर के साथ। फिल्म जो है छत्तीसगढ़ आपको दिल्ली से जाते थे, क्या दिक्कत आई? ऐसे परिवेश जमदानी परिवेश वहाँ के स्थानीय समस्या क्या थी? हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे इस काम को करने के लिए। पहले से पता था हमारा सब्जेक्ट ऐसा है और उस सब्जेक्ट के लिए हमें ऐसी जगह पे जाके काम करना है, तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे और वहाँ जब गए थे तो अच्छा भी लगा। चैलेंजेस थे और कोई भी फिल्म बनाई है तो चैलेंज तो उसमें मिलते हैं। वो जो चैलेंज था वो इंटरेस्टिंग था और उसे करने में काफ़ी मज़ा आया। मैं देख रहा था इस फिल्म में आप राइटर की भूमिका में हैं, डायरेक्टर का भी काम कर रहे हैं और साथ ही मैंने देख रहा हूँ कि फिल्म में आप एक्ट भी कर रहे हैं, तो ये कैसे मतलब संभव था कि आप इन तीन चार चीज़ों को एक साथ कर पा रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक आदमी जब फिल्म बनाता है तो वो पूरी तरीके से उसको सोचता है, वो एक पक्ष ही सोचता है। तो जब पूरी तरह से उसको सोचा है और हम सभी तरह के काम करते ही करते हैं और फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में बनती है। आप एक काम कर रहे हो तो दूसरा काम नहीं कर रहे हो। जब मैंने फिल्म लिखी उस वक्त मैं अभिनय नहीं कर रहा, और जब मैं अभिनय कर रहा हूँ उस वक्त मैं फिल्म लिख रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा था कि आप जब फिल्म की शूटिंग, उससे पहले मैं देख रहा था कि आप नाटक भी लगातार कर रहे थे, मैं आप देखा कि सारांश में आपने रिश्तों सुहराब किया, कि ये कैसे मतलब संभव हो पा रहा था कि एक तरफ आप नाटक भी कर पा रहे हैं और एक तरफ आप फिल्म भी कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग एनएससी के पास आते हैं, हमारी तालीम इस चीज़ के लिए। अभी तो बड़ी अजीब सी बात होगी अगर तालीम हम रखते हैं और आपसे कहें ये कैसे होगा, ये आप दाल भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, तो जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खाना है उसी तरह हम लोगों के लिए ये सब काम करना है और बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा मज़ा आता है। ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये एनएसडी की देन है कि आप मतलब ये सारे काम एक साथ कर पा रहे हैं? केवल एनएसडी है, बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने शिक्षित किया इस लाइन, उसमें एनएसडी एक प्रमुख है जिसने हमें इस लाइन बनाया। कि आपका जो कैरेक्टर था, आपने पहले एक पंडित की भूमिका में आई, फिर उसके बाद एक मुस्लिम महिला की भूमिका में आई, ये कैसे मतलब आप कर पा रही थी इस तरह से? जी, एक्चुअली इस कैरेक्टर की खासियत ये थी कि इसके अंदर में शेर इसमें ये दिखाना चाह रही है कि पहले साबिक के साथ इस तरह से बहुत सहानुभूति के साथ पेश आती है और बच्चे के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करती है। तो ऐसे लोग होते हैं असली लाइफ में, ऐसे लोग होते हैं, तो उसको रियल तरीके से मुझे लगता है दिखाने की कोशिश की गई थी। तो मेन चैलेंज तो ये था कि वहाँ के जो डायलेक्ट को पकड़ना, वहाँ की वेशभूषा को पकड़ना, उसके लिए प्रेपरेशन टाइम था, लिमिटेड था। ओवरऑल इसका कैरेक्टर का था ही कि इसको मल्टी डायमेंशन में दिखाना है, तो करना बहुत आसान था क्योंकि एक कैरेक्टर को करने के लिए हर एक आर्टिस्ट की ये चाह होती है कि जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स वो कर सके, और मुझे एक ही मुद्दे में ऐसे तीन करने को मिले तो बहुत खुशनसीब समझती हूं। और आपको क्या जिस देश में ये फिल्म की शूटिंग हो रही है नक्सलवाड़ी बेल्ट में, आप क्या आपको कभी नहीं लगा कि हम असुरक्षित हैं? बिल्कुल लगा। जब मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी तो दानिश सर वहाँ पहुँच चुके थे ऑलरेडी, दानिश सर दोनों पहुँच चुके थे वहाँ पे, तो उनसे मैंने फ़ोन पे पूछा, आखिरी मोमेंट तक मैंने पूछा कि कैसी सिचुएशन है वहाँ पे, तो मुझे एक सिंपल सा जवाब मिला था दानिश सर से। उन्होंने कहा बहुत सुंदर जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है शूटिंग करने में, आ जाओ तुम, सोचो मत। पहुँच गए, मज़ा आया। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपसे कैसे प्रश्न करूँ, कैसे सवाल उठाऊँ, क्योंकि आप एक ऐसे बेबी के मतलब प्यार में हैं, खोज में हैं और वो लास्ट तक वो चलता है। मुझे नहीं लगता कि आप रियल लाइफ में कोई बेबी हो, ये भावना ला पाना कैसे संभव था? याद नहीं करूँगी ना, ये कठिन क्योंकि मैं काफ़ी छोटी हूँ, ये मेरी पहली बहुत मदद की है, मुझे एक गाइडेंस दी। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा है मुझे मिली 14 मंथ्स
होती है वो एक मरीज की, तो उनसे काफ़ी नहीं दूसरा आई थिंक एक किरदार निभाने की सबसे पहली चीज यही होती है कि अगर वो आपसे डिफरेंट है तो आप सुनो कि आप में और उनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो ठीक है मैम, मैंने रियलाइज किया कि हाँ वो हाँ, बट रिलेशनशिप एक बार का बहुत स्पेशल एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप जो प्यार होता है, चाहे मैंने माँ के रूप में भी मैसेज किया हो, मैंने बच्चे के रूप में किया है, मैंने दोस्त के रूप में किया है, वो प्यार चैनलाइज करना उतना मुश्किल नहीं है। आइए हम चलते हैं सुकुमार टूडू, जिनको मैं टूडू दादा कहता हूं, और इन्हें बिस्मिल्ला खा युवा उस्ताद पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब आप इसके पहले शॉर्ट फिल्म कर चुके थे, ये फीचर फिल्म का आइडिया कैसे आया? आइडिया तो भाई मेरा मेरे कैरेक्टर के नाम पे फिल्म बने, मेन के नाम पे सवाल और मेरे दिमाग में मतलब पहुंच रहा है, हालांकि ये सवाल मैं रानी सर से पूछना चाहता था, लेकिन मैं देखा कि इस फिल्म में एक सूफीज्म गाना चल रहा है और रामचरितमानस का दोहा भी चल रहा है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आप लोग तो गंगा जमुना तहजीब जो है इस फिल्म में दिखाना चाह रहे थे, और मुझे लगा उसमें आप संभव भी हैं, लेकिन ये सब कैसे उस क्षेत्र में जा कर के एक छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में जा कर के करना कैसे मतलब कर पा रहे थे इसको? क्योंकि यही हमारे लिए चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए कि जो भी कैरेक्टर आपको मिलता है उसी में कैसे ढलना होता है, हमें कैरेक्टर हिस्ट्री बनानी पड़ती है, जहाँ की जियोग्राफिकल स्थिति है, जहाँ की इकोनॉमिकल स्थिति जैसा है, हमें उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट पोर्ट्रे कैरेक्टर, ठीक है, नहीं तो आप स्टार प्ले करेंगे, आप किसी कैरेक्टर को प्ले नहीं कर पाएंगे। यही हमारी ट्रेनिंग की मेन मकसद होती है, एक्टर को एक चरित्र दिया जाता है, तो चरित्र ऐसे निभाए। इस फिल्म में मैं देखा कि महात्मा गांधी जी के कोटेशन से फिल्म शुरू होती है और जब एंड होता है तो मुझे लगा कि जो आप रोल कर रहे हैं जो बुजुर्ग का, मुझे लग रहा तो कहीं गांधी जी चल रहे हैं। एक्चुअली वही आइडिया उसी से देख के ही है। दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें ये फिल्म कैसे लगी, साधो फिल्म एक फीचर फिल्म है, आइए हम जानते हैं। माय नेम इज नवदीप सिंह, मैं एनएसडी फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और इस फिल्म से बहुत सारे थॉट्स क्लियर हुए हैं मेरे, और ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, इस फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट, इसने मुझे बहुत कुछ दिया, इससे बहुत कुछ सीखा। मैंने इससे पहले देखी थी मदारी, तो मदारी फिल्म से ज़्यादा बेहतर मुझे ये फिल्म लगी। आपका नाम? मेरा नाम त्रिभुवन नाथ है, यहाँ फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, मुझे सारा सीन अच्छा लगा, मुझे तो मांझी का टक्कर दे रहा था ये फिल्म, इसको मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म थोड़ा बड़े पर्दे पे आना चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। आपको कैसी लगी ये फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, ये जो पूरा एक मतलब डायलॉग्स कम थे लेकिन तो भी इतना टचिंग था, इतना ग्रिपिंग था कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मूवी ख़त्म, ऐसा लग रहा था कि मूवी ख़त्म ही ना हो, बहुत अच्छी लगी।